यू जस्ट इट। वाराणसी में पहली बार 5 दिन तक मां अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे। मां के दर्शन के लिए अभी से काशी में भक्तों का जमघट लगना शुरू हो गया। दूरदराज से पहुंचे भक्त अभी से लाइनों में लग गए हैं। जायजा लेने के साथ भक्तों से बातचीत की संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। धनतेरस का महाउत्सव इस बार वाराणसी में 5 दिनों का है। अमूमन जो मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी प्रतिमा है उसके दर्शन सिर्फ 3 दिन होते हैं, पर इस बार 5 दिन तक माता अन्नपूर्णा के दर्शन भक्तों को मिलेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए जो भक्तों की कतार है वो किस तरीके से यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। पहले से ही जो महिलाएं हैं वो बैठकर इंतजार कर रही हैं ताकि मां अन्नपूर्णा का दर्शन सबसे पहले उन्हें हो सके। और इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस तरीके की व्यवस्था की है, जहां एक तरफ मां अन्नपूर्णा का दर्शन माता अन्नपूर्णा के मंदिर में होगा, तो वहीं काशी विश्वनाथ धाम परिसर में जो माता अन्नपूर्णा का मंदिर है वहां पर भी दर्शन पूजन होंगे और वहां पर भी इस बार खजाना वितरण होगा। तो इस समय धर्मनगरी वाराणसी का आप नजारा देख सकते हैं किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। कब से आप लोग बैठी हुई हैं? हम लोग 8 बजे से। 8 बजे से बैठे। हाँ। तो क्या सबसे पहले दर्शन करना चाहते हैं? अब है तो पहले देखेंगे होगा कि नहीं होगा। हाँ, आज जौनपुर जिला। हाँ, आप माताजी कहाँ से आई? जौनपुर जिला। आप तस्वीरों में देखिए एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो महिलाएं यहाँ पर बैठ करके इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से और ही बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से, गुसाईगंज। गुसाईगंज लखनऊ जी। कब से इंतजार कर रहे हैं दर्शन के? 9 बजे से। मिर्जापुर से आए, 6 बजे के आए हैं, रात 3 बजे से चले हैं। हाँ, जो महिलाएं हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, तो और माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत हैं, अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन के लिए वाराणसी में कतार में बैठी हुई हैं, घंटों से प्रतीक्षारत हैं कि माता अन्नपूर्णा के दर्शन के साथ ही उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो और धनतेरस में माता अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भीड़ वाराणसी पहुंच रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।